Which of the following statements are true with the respect to the इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपको दिया हुआ स्टेटमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है पहली बात, और दूसरा ये हमेशा किससे ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यदि मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, या फिर मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही होगा, या तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन की तरह की साइड जा रहे होंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की साइड, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की साइड जा रहे होंगे, कार्बन चेन में जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा आपको दिया हुआ है रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होता है। जैसे कि मान लो कि आपको ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, तो इसमें लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। इस तरह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड और एटम्स का जो पोजीशन है वो क्या रहता है, इसमें फिक्स रहता है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाता है रॉन्ग। इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यस ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ देखा है कि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और यदि हम लोग इसमें देखें रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, यस ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, फोर्थ वाला भी। फिफ्थ आपको दिया हुआ है रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दोनों इफेक्ट एक ही सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट हो ऐसा कोई इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इंडक्टिव केस के इंडक्टिव का जो केस है उसमें तो सही है, लेकिन रेजोनेंस के केस में बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन ए, थर्ड और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और पूछा भी आपसे ट्रू ही गया है।